हैदराबाद से जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में शादनगर थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोपियों को फांसी देने की मांग यहां पर की जा रही है। चारों आरोपी शादनगर थाने में बंद हैं। कोई वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। वहीं मयूरभंज बार एसोसिएशन का ये कहना है कि कोई भी वकील इन आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने एक लड़की के साथ न सिर्फ गैंगरेप किया, न सिर्फ उसकी अस्मत को तार तार किया, बल्कि उसको जिंदा भी जलाया गया है। और इसी घटना के बाद पूरे देश में रोष है। सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सरकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकारें महिलाओं को हमेशा से ही सुरक्षा देने की बात कहती हैं, लेकिन आखिरकार इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो पता चलता है कि आखिरकार हम कितने पीछे हैं। और वादे करते करते हम कहीं ना कहीं अब उन वादों को ही भूल गए हैं। और नतीजा ये कि हर एक दिन इस तरह से घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और अब मांग यहां पर लोगों की ये है कि इन्हें फांसी दी जाए। शादनगर थाने में बाहर लोगों का प्रदर्शन ये चल रहा है, क्योंकि शादनगर थाने में ही ये चारों आरोपी बंद हैं। लेकिन फिलहाल अब लोगों की मांग जो है वो तेज होती हुई चली जा रही है। लगातार उनका कहना है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, फांसी दी जाए। वहीं वकीलों ने इन आरोपियों का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। मयूरभंज बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़ेगा।